हाय गाइस, स्वागत है आपका एमजी ऑल इन वन चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपको शंसम मलिक। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हो गए आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट बजट व्लॉगिंग माइक की, जो कि आता है हमारा बोया की तरफ से, बोया बाय MM1। आज हम इस माइक को टेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या ये किस तरह का माइक साबित होता है व्लॉगिंग के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं भी अपना एक व्लॉगिंग चैनल शुरू कर चुका हूँ। अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं करा, उसे भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैंने अपने यूज़ के लिए इसको परचेज़ किया है। आज मैं इसका पूरा आपको रिव्यू करके बताऊँगा, मतलब किस तरह की इसमें आवाज आती है फोन में, और इसके माइक में अगर आप यूज करेंगे मतलब कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, और इसे खरीदना वर्थ होगा, मतलब आपकी वॉइस क्वालिटी को इंप्रूव करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा तो कितनी करेगा, आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। आज की वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। और ये माइक दोस्तों मैं दिल्ली से भी लेकर आया हूँ, और एक मैंने अमेजोन से भी ऑर्डर करा है, एक मेरे पास कॉपी है, एक ओरिजिनल है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, उसमें ये बताऊंगा आप इसमें ओरिजिनल और कॉपी का कैसे पता लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ना, मैं इतना देख चुका हूँ अभी तक कि मान लो आधे प्रोडक्ट कॉपी बेचे जा रहे हैं, आधे ओरिजिनल। तो अगर आप पहली बार खरीद रहे हो तो आप देखकर नहीं पता लगा पाओगे ये ओरिजिनल है या कॉपी है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, वो वीडियो भी जल्दी आएगी। अब चलते हैं अनबॉक्सिंग डेस्क की तरफ, पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकल कर आ जाती हैं माइक के साथ, फिर इसकी हम देखेंगे ऑडियो टेस्ट। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग डेस्क की तरफ। दोस्तों ये हमारा बॉक्स कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाता है, बोया बाय MM1 का। और दोस्तों आपको बॉक्स थोड़ा चेंज सा लग रहा होगा, किसी पर आपने देखा होगा यहाँ पर पूरा डेड कट के साथ लगा हुआ आता है। तो दोस्तों ज़्यादातर बॉक्सेस जो हैं अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा ओरिजिनल कौन सा है वो कौन सा है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है। तो ये जो अभी बॉक्स देख रहे हो, ये आप 100% ओरिजिनल बॉक्स है, ये मैंने चेक कर लिया है ऑनलाइन इनकी साइट पे। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में कि किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका जो बोया माइक है वो 100% ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, कॉपी तो नहीं है। तो ये वाला अभी जो मेरे हाथ में ये ओरिजिनल है। बॉक्स पर अगर कुछ ऊपर बात कर लें तो यहाँ पर आपको इसकी सेंसिटिविटी वगैरह लिखी हुई मिल जाती हैं। और इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, ऑनलाइन प्राइस गाइस इसका 1500 से 1800 के बीच में रहता है, और ऑफलाइन में जो कॉपी वाले बिक रहे हैं वो आपको 500 से 900 तक के मिल जाएंगे। और अभी हम इसके बॉक्स में कंटेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले जब हम इसे निकाल लेते हैं, कुछ यहाँ पर बुकलेट वगैरह देखने के लिए मिलती हैं, इसमें आपके इंस्ट्रक्शंस हैं सारे। और चलिए इसको हटा देते हैं। अभी एक यहाँ पर आ जाता है आपका ये वारंटी कार्ड टाइप है कुछ, चलिए इसको भी रख देते हैं। कुछ यहाँ पर स्टिकर्स आए हैं बोया के। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखने के लिए मिल जाता है एक इसका स्टैंड, जिस पर आप ये एंटी शॉक होता है, मतलब इस पर जब आप अपना माइक लगा लोगे तो थोड़ा बहुत ही शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको रखते हैं साइड। और सामान दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कंटेंट, क्योंकि मैंने इसे एक बार ओपन कर लिया था, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। और सबसे पहली जो केबल आती है वो आती है आपकी फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए, इस पर दोस्तों लिखा हुआ भी होता है स्मार्टफोन के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी लगेगी इसके माइक में, एक तो ये केबल आती है इसके साथ, दूसरी केबल आती है आपकी ये वाली, इसे आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने कैमरे के अंदर, अपने DSLR के अंदर। और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसको रखते हैं साइड। इसके बाद आता है हमारा एक इसके अंदर पाउच, जो कि बोया का है, बोया की ब्रांडिंग आ जाती है इसके ऊपर, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, आप इसके अंदर अपने माइक को सेफ रख सकते हैं। बाद आता है हमारा ये बोया का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट और एक सिलिका जेल का, और इसके अंदर और कुछ नहीं आता। फिर आता है हमारा ये डेड कैट के साथ लगा हुआ हमारा माइक, चलिए इसको निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये आता है हमारा डेड कैट, जो कि काम करता है विंड को एक तरह से रोकने के लिए, इस पर भी आपको बोया की ब्रांडिंग मिल जाती है, क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है। और चलिए इसको साइड रखते हैं। ये आता है हमारा मेन माइक, जिसमें आपका केबल लगेगी और जो आपके कैमरा के ऊपर माउंट होगा इस तरह से। और ये दोस्तों सामने की तरफ से ऑडियो कैच करता है, इस वजह से ये व्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें जो पीछे की नॉइज़ रहती है, जो आवाज़ें पीछे की रहती है, वो इतनी कैप्चर नहीं करता, ये सामने की तरफ से वॉइस कैप्चर करता है, इसलिए व्लॉगिंग में इसका यूज़ किया जाता है बोया बाय MM1। तो इसमें कोई सेल या बैटरी वगैरह नहीं लगती, ये चीज़ मुझे इसमें काफ़ी पसंद आई। जैसे बोया MM1 आता है तो उसमें आपको लगानी पड़ती है बैटरी अगर आप कैमरा से यूज़ करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। अब दोस्तों हम चलते हैं इसकी टेस्टिंग करते हैं, किस तरह की इसमें नॉइज़ क्वालिटी मतलब वॉइस क्वालिटी आ जाती है, कितनी नॉइज़ कैप्चर करता है, अगर आप इससे बाहर में रोड पर व्लॉगिंग करेंगे किस तरह की क्वालिटी आपको देगा वॉइस की। तो चलिए चलते हैं टेस्टिंग करते हैं इसकी। तो दोस्तों ऑडियो टेस्ट करेंगे, सबसे मैं जो ऑडियो टेस्ट कर रहा हूँ फ़ोन से कर रहा हूँ अपने MI-10i के साथ। और यहाँ पर मैं दो तरह की ऑडियो डालने वाला हूँ, डायरेक्ट फ़ोन के माइक की, और फिर लगाएंगे वाला माइक। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये कैमरा में माइक लगा हुआ है, तो मैं आपको बताता रहूँगा, आपको डिस्प्ले पर भी दिख जाएगा किसकी ऑडियो आ रही है। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे फ़ोन के माइक से, अभी जो कंडीशन है सारी वीडियो में सेम रहने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों ये टेस्टिंग हो रही है हमारे फोन के माइक के साथ। यहाँ कोई एक्सटर्नल माइक इसमें सब अटैच नहीं करा है। ये आवाज जो आ रही है ये फोन के माइक की है, तो आपको एक अच्छा आइडिया लग रहा होगा आपका फोन किस तरह की रिकॉर्डिंग करेगा। अब देखते हैं माइक लगा के बोया वाला कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अब उसके बाद सुनेंगे आप 3 2 1। तो दोस्तों माइक हमारा अटैच हो चुका है और अब आपको जो आवाज सुनाई दे रही है वो दे रही है बोया वाला M1 का, MM1 से। और मैं कोई ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, जैसा पिछली वीडियो में बोल रहा था बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा हूँ। सारी सेम कंडीशन है और उतनी ही दूरी पर मैंने रख रखा है। आवाज़ का आइडिया आपको हो रहा होगा कितनी अच्छी तरह से आवाज़ कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं इसको बाद में देखूंगा, अभी तो बोल रहा हूँ, अभी मुझे भी आइडिया नहीं किस तरह का ये काम कर रहा है इस टाइम। और अभी हम बाहर जाकर भी इसका टेस्ट करेंगे, बाहर रोड पर किस तरह का कर रहा है ये काम। तो दोस्तों अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, फ़ैन ऑन कर दिया है हमने और ये अभी जो आवाज़ आ रही है डायरेक्ट हमारे फ़ोन के माइक से आ रही है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह की नॉइज़ कैंसिलेशन करेगा। अभी हमने फ़ैन ऑन कर दिया है तो ये अब आवाज़ पकड़ता होगा मेरी भी और हवा की भी। तो देखेंगे डेड कैट जो इसके ऊपर लगी हुई आती है वो किस तरह काम कर रही है, हवा को किस तरह वो रोक रही है। अब आप आवाज़ सुनेंगे इसके बाद बोया MM1 की। तो चलिए स्विच करते हैं 3 2 1। तो दोस्तों फैन ऑन है और अभी हमारा स्विच हो चुका है बोया बाय MM1 माइक। और अभी आपको देखने में लग रहा होगा थोड़ा बहुत डिफरेंस तो लग ही रहा होगा, मतलब किस तरह की नॉइस पकड़ रहा है। फैन चालू है अभी भी और आपको आइडिया लग रहा होगा किस तरह की आवाज़ कैप्चर करने वाला है अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं। नॉइस कैंसिलेशन भी इसमें काफ़ी ठीक ठाक होगी क्योंकि डेड कैट इसके ऊपर लगी हुई है तो विंड को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेती है। तो देखते हैं किस तरह की क्वालिटी आती है। तो दोस्तों अब टेस्ट करना आए हुए हैं बाहर। अभी जो आवाज़ आ रही है फ़ोन के माइक से आ रही है, कोई एक्सटर्नल माइक इसमें नहीं लगा रखा है। बैकग्राउंड नॉइज़ आप सुन सकते हैं, रोड पीछे चल रहा है, बाइकों की हॉर्न की आवाज़ आ रही होगी, तो आपको आइडिया लग रहा होगा अगर आप फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं किस तरह की आ रही है अभी। और अभी हम माइक इनपुट करेंगे अपना बोया MM1, देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। अभी मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, आप थोड़ा सा देख लें किस तरह की नॉइज़ हमारा फ़ोन पकड़ रहा है। तो चलिए अब स्विच करते हैं अपने बोया MM1 में 3 2 1। तो दोस्तों अब ये जो आवाज़ आ रही है हमारे बोया MM1 से, जितनी मैं आवाज़ पहले तेज़ बोल रहा था उतना ही अब बोल रहा हूँ, उतनी डिस्टेंस पर है। बैकग्राउंड नॉइस आप देख पा रहे होंगे किस तरह की माइक रिकॉर्ड कर रहा है, पीछे रोड चल रहा है, तो सारी मतलब आपको नॉइस कैंसिलेशन का इसका आइडिया हो जाएगा। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो एक अच्छा आइडिया आपको इस वीडियो से पूरी देखने के बाद हो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, कमेंट करके बताना आपको किस मतलब इसका जो बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन है वो किस तरह का आपको देखने के लिए लग रहा है, सुनने में कैसी लग रही है इसकी आवाज़। और मैं इसी से अब आगे ब्लॉग करने वाला हूँ तो मैं दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अनसम मलिक के नाम से मेरा ब्लॉगिंग चैनल। और आपको एक आइडिया हो गया होगा किस तरह की ये हमारा माइक आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है। थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ, देखते हैं क्या रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा इस माइक को खरीदने से पहले कि किस तरह की आपकी वॉइस क्वालिटी से आएगी अगर आप इसे परचेज करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह का मसाला लाता रहता हूँ। और ये वाला जो था हमारा ओरिजिनल था जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, और जो कॉपी वाला है उसके साथ इसका एक कंपेरिजन करूँगा तो आप फिर ईजिली पता लगा पाओगे आपका जो बोया आया है वो ओरिजिनल है या नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ब्लॉगिंग वाले चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।